दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली के दाम बढ़ाने की घोषणा करने के बाद राजनीतिक विरोध होना शुरू हो गया है। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित चंदगीराम अखाड़े पर भाजपा सांसद रमेश विदुड़ी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने केजरीवाल के बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर विरोध किया। सांसद ने कहा कि केजरीवाल जनता को लूट रहे हैं, उनके साथ हजारों करोड़ों रुपए का धोखा कर रहे हैं। यदि बिजली के बढ़े हुए दाम दिल्ली सरकार वापस नहीं लेगी तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। रसोई पे सारे रस्ते पड़ता है फर्क, क्योंकि महिलाओं को भुगतना पड़ता है। डांट खाएंगी पति की तो महिला खाएंगी, इतना खर्च कैसे कर दिया। बाजार में जाएंगी तो महंगी चीज मिलेगी, तो ये सब चीजें महिलाओं को ही भुगतना है। इसकी समझ में नहीं आता अरविंद केजरीवाल को, जब भी ये चाल चलता है वही फंस जाता है। विरोध प्रदर्शन तक ले जाएंगे अभी हम यहाँ से जाएंगे, और हम पैम्पलेट ले लेकर एक एक पतली गली हो चौड़ी गली हो किसी भी घर तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारी सारी बहनें जाएंगी कि जी ये छलावा कर रहा आदमी, झूठ बोल रहा है, इसकी पोल खोलेगी हमारी महिला जाके घर घर। सैकड़ों लोगों की भीड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश विदुड़ी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सिविल लाइन इलाके में पहुंचे, जहां पुलिस ने भारी बंदोबस्त करते हुए चंदगीराम अखाड़े के पास ही उन्हें रोक लिया, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ सांसद रमेश विदुड़ी भी दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि बिजली के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर महिलाओं की जेब पर पड़ेगा। दिल्ली में आज के समय में ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जो बिना बिजली के चलता हो। खाना बनाने की गैस से लेकर ठंडी हवा के लिए एसी तक सभी बिजली की मदद से चलते हैं। जब बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो महिलाओं को घर में पति की डांट भी खानी पड़ेगी, और बाजार से सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो उसकी एवज में सब्जी भी महंगी होगी, क्योंकि दुकानदारों को सारा पैसा जनता की जेब से ही निकालना है। महिलाओं ने कहा कि दिल्ली में गांवों की तरह खुले और हवादार घर व चौपाल नहीं है, जहां पर आम लोग आराम से बैठ सकें। दिल्ली में लोगों के छोटे छोटे घर हैं, जहां पर लोगों को गर्मियों में ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए एसी चलाएंगे तो बिल भी ज़्यादा बढ़ेगा और उसका असर सीधा जनता की जेब पर पड़ेगा। अब दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के विरुद्ध एकजुट होकर दिल्ली की जनता को घर घर जाकर जागरूक भी करेंगी। आजकल हर चीज़ बिजली से चलती है, मिक्सी ले लो, चाहे गैस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, हर चीज़ में ज़रूरत होती है, एसी की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ है जो हमें महिलाओं को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो गर्मी इतनी हो गई, छोटे छोटे मकान हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है खुले मकान है, गांव की तरह चौपाल हो गई वहाँ पर लोगों को गुजारा चलता हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है महिलाओं के लिए। सबसे मुझे लगता है केजरीवाल का विरोध महिलाओं को सबसे ज़्यादा करना चाहिए, और आज के जो रमेश विदुड़ी जी ने ये जो आज ये विरोध प्रदर्शन किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का भी है, और महिलाएं सबसे ज़्यादा हर जगह उत्पीड़न होती हैं। सांसद रमेश विदुड़ी का कहना है कि सरकार ने दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डाला है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ 12% बिजली की दर बढ़ाई जा रही है, जिससे दिल्ली में आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभालते ही दिल्ली में भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कही थी। दिल्ली में अभी भी कई विधानसभा ऐसी है जहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है। सीलमपुर, बाबरपुर और पल्लीमारान सहित आधा दर्जन विधानसभाओं में बिजली की चोरी धड़ल्ले से की जा रही है। बिजली चोरी को सरकार रोकने में नाकाम रही है। दिल्ली सरकार जब चाहे बिजली के दाम बढ़ा देती है, और इसी तरह हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिल्ली की जनता के साथ मुख्यमंत्री धोखा कर रहे हैं। मांग है केजरीवाल जो दिल्ली के लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ और कंपनी लेकर आऊँ, कंपटीशन होगा, इस कंपनी में बिजली सस्ती होगी। चोरी कंपनी लेकर आया, इन्होंने कहा मैं चोरी को रोकूंगा। आज दिल्ली में 6-7 ऐसी विधानसभा है, बल्ली मारान है, ओखला है, सीलमपुर है, वहाँ पर 80% बिजली चोरी हो रही है। चोरी को क्यों नहीं रोकता? और गरीब लोगों पर, आम आदमी के ऊपर आप बोझ बढ़ाते जा रहे हो। 49,000 करोड़ रुपया आपने लूट लिया दिल्ली की जनता का 2015 से 2021 तक, और अब ये 6% के नाम पर 12% बढ़ा रहे हो आप, सरचार्ज जो बढ़ा रहे हो, और 12% तो दिल्ली के इतिहास में कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ा है जो ये बढ़ा रहे हो। विकल्प ये वापस लो, वरना दिल्ली की जनता जागरूक होगी, और जागरूक करेंगे, और केजरीवाल को गद्दी से लोग हटा कर छोड़ेंगे। इसके बाद दिल्ली के बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के टैरिफ समझाएंगे, इसकी चतुराई समझाएंगे। इन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो बिल्कुल बूथ तक जाएगा बीजेपी। सांसद ने दिल्ली सरकार को चेताते हुए
कहा कि यदि दिल्ली सरकार ने बिजली के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए तो यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और आगे भी अनिश्चितकालीन धरने किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार ने बिजली के जो दाम बढ़ाए हैं उससे जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा, जिसके लिए दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमित त्यागी, ईटीवी भारत, दिल्ली।